पकड़ के गेर गए, इतनी हिम्मत होगी उनकी, जो कुछ भी पहन रही थी उसने भी निकाल ले गए। आंटी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो, पैर लेके मतलब आपने कहना चाहते बाप ने बेटी की टूम उतार ली। वो तो जी मैं कोई झूठ तो बोलती कौन है, न्यू बुलानी पड़ी जी, 7 दिन हो गए थे, कोई न्यू समाचार नहीं आया था भाई पकड़े गए कि ना पकड़े गए। मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, मैं मेनका देसवाल। पीछे आपने मेरी वीडियो देखी है उन गांव की जहां पर 8-8 गोलियां बेटी को पिता के द्वारा मारी जावे है और एक गोली जो है दामाद को भी मार दी जावे है। ये माता जी है, इन्होंने फिर फोन करके बुलाया है, जानेंगे क्यों आज फिर से बुलाने की जो है नौबत बताई। राम राम आंटी जी। राम राम। क्यों बुलाया आंटी, इसी की बात हो गई थी कि दोबारा आपने मीडिया बुलानी पड़ी। न्यू बुलानी पड़ी जी, साथ थे कोई न्यू समाचार नहीं आया था भाई पकड़े गए कि ना पकड़े गए। गिरफ्तारी नहीं हुई थी अभी तक भी। नहीं हुई थी जी। ठीक है। और बालक से मौत ने घेर रखी। किस कंडीशन में अब भी वो? इबे हमने कौन मिलन देते जी। अच्छा। हाँ, पुलिस है दोरे, पेशाब पानी रेतावा हाँ, बिको टेस्ट करवावा हाँ, जरूरत पड़ा है तो बुला ले हैं, बाकी मारे वह कौन है। अच्छा, तो फिर आज के कुछ रहे आंटी फिर वो? के कुछ होया जी, वह तो अपना बेरा होगा या तो फिर पुलिस वाला ने बेरा होगा, हमने तो नहीं बेरा जी। क्या के कुछ होया? गिरफ्तारी हुई हाल फिलहाल को ईब सुना था जी, थोड़ा हज करा के भाई करंट लग जगह 3 पकड़ रखे हैं। अच्छा, अगर 2 पकड़ रखे मना नहीं बेरा। अच्छा, तो कहाँ पकड़े हैं? कार्रवाई चल रही है। ईब तो पहले नहीं बेरा पाटा था भाई, आप दोरा फोन करा तब तक वही पकड़े गए। अच्छा, ई बेरा पाटा है कहा पकड़ लिए, लेकिन 3 पकड़े हैं तो भी 2 तो और रह गए। लेकिन किस किसकी गिरफ्तारी हुई? नहीं बेरा जी, मैंने इस बात का भी किस किसकी हुई है और कौन रह रहा है। लेकिन मैं तो अच्छा, आपके रिश्तेदार आप नहीं चाहते भाई इन्हें छोड़ दे कुछ ऐसा हो जाए जी? आपके रिश्तेदार हैं ठंडा मैं ले उसका बाप तक उसमें जल्दबाजी में हो गया, तो आप नहीं चाहते बाप इतना मतलब इतना कांड जल्दबाजी में नहीं हुआ करे। ऐसा क्या कर दिया बाप ने और क्या करेगा इस तपछ है ये बताओ। जब बाप को सेती होंदी होंदी 8-8, 9-9 गोली बेटी का मरवा दे है, रवि के गए यार मार के गेर गए, इतनी हिम्मत होगी उनकी, जो कुछ भी पहन रही थी उसने भी निकाल ले गए। आंटी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो, पैर लेके मतलब आपने कहना चाहते बाप ने बेटी की टूम उतार ली। वो तो जी मैं कोई झूठ तो बोलती कौन है, जो कुछ भी पहन रही थी, कान में पहन रही थी, पाया में पहन रही थी, गल में पहन रही थी, हाथा में पहन रही थी, सब कुछ निकाल ले गए। अच्छा, कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ, मंगलसूत्र तो मिला होगा? कुछ भी नहीं मिला हमने, कुछ भी नहीं मिला। ऐसा तो नहीं आंटी की हॉस्पिटल में निकाल लो यहाँ? नहीं जी, नहीं नहीं, वहाँ से जो पुलिसिया ने जड़त बरामद की है ना लड़की, तब ऐसा की ऐसी ही मिली है। अच्छा, हाँ, कान नाक में कुछ भी? कुछ भी नहीं था, कुछ भी। अच्छा आंटी, कई कमेंट में यूं भी आरोप लगा रहे हैं कि 4 लाख रुपए लेकर लड़की घर तक फरार हुई, इन बातों में कितनी सच्चाई? ये जी कहानियां ना देख गई होगी, मारा करना तो एक जोड़ी लत्या मई थी। अच्छा, हाँ, कुछ भी उनका नहीं लेके आई। हाँ, आपके कागज तो ले रही थी। अच्छा, जो उसके कागज थे वही वो के हूँ से, कोई आधार कार्ड है या कुछ भी है, हाँ वे ले रही थी। ले रही थी। हाँ, ईब कितना ईब आगे का के प्रोग्राम कितना पढ़ा लिखा है, ईब के करण लग रही है गुड़िया? गुड़िया जी नीट की तैयारी कर रही थी, वो बोल रही थी कि मेरा पापा भी मैंने यह पढ़ाया करता हूँ तो यह पढ़ूंगी, भाई यह पढ़ ले, जिसा हमारा दम है उस तो ही हम जड़ाते भी होगी चाहे हम कुछ भी करांगे, लेकिन जड़ाते तेरी तरह पापा की रजा बंद थी भाई, ठीक से तू कुछ भी आई किसे बड़ भी आई किमे भी होया, लेकिन भाई तेरा पापा की नहीं हो तेरे तो जड़ते ही होगी, हम करांगे वह पूरी और क्या करा। और पढ़ती न उठा के ले गए हैं जिसके खुद गवाह हुए। अच्छा, हाँ, तो ईब है ना आंटी, के सजा की आप मांग? ईब सजा या है जी, बस मारा गेल हो गया ना, यो काम किससे भी गेल और ना हो। लेकिन आंटी ये लोग तो ये कह रहे हैं कि बच्चा ना नहीं दिखता, आप क्या कर रहे हो, माँ बाप की पगड़ी उछाल रहे हो, इज्जत उछाल रहे हो। बच्चा ना दिखा तो जी सरकार की गलती है, तो बच्चा ने छूट तो सरकार ने दी होगी, तो सरकार ने कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए, लेना चाहिए ना। यानी कि आप यू कहना चाहोगे कि बच्चा जब करता हो माँ बाप तो बताना चाहिए आपके बच्चे आ रहे हैं सरकार ने? ये सरकार ने बतानी चाहिए ना, ये सरकार ने छूट दे रखी तो एक्शन भी तो सरकार ने लेना चाहिए ना। यो है बच्चा ने पहले तो बढ़ावा दे दिया, और ये बच्चा ने जो मार रहे हैं तो उनकी रक्षा भी तो ये करेंगे, ऐसा काम होना चाहिए। आगे कोई लव मैरिज के तो इस लव मैरिज ने रोको, ठीक बात है, और नहीं लव मैरिज गलत नहीं है ना, तो फिर इन कांड करनिया ना रोको।
के सजा की मांग करो? ये सजा है जी, देखो आग कोई करे न गैंग मन की ये काम आग कोई करे न तो 10 बार सोचे अक कदे उन और ला काम ना हो जा। ठीक है भाई, देख लियो आंटी का तो यू कहना है भाई, या तो जब बच्चे घर छोड़ कर आवे हैं तो बच्चा ने जब लव मैरिज करो उससे पहले माँ बाप को इन्फॉर्म कर दे पुलिस प्रशासन कि आपके बच्चे यहाँ आ रहे हैं, ताकि माँ बाप भी एक बार पहला उनसे पूछ लें भाई आप क्या कर रहे हो। या फिर अगर लव मैरिज बच्चे कर ले हैं तो फिर उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। बाकी आंटी पुलिस प्रशासन छह महीने तक तो सिक्योरिटी दे रहे हैं जी, नो बोले कोई अगले साइन कर गई उसमें सेफ हाउस में तो निकले, उस दिन साइन करके मैं भी करके आई थी तो पुलिस की हम सिक्योरिटी जब मांगा है जब अगले नाराज हुए हमने कोई वो एक नहीं था भाई, सिक्योरिटी नहीं मांगी, नहीं मांगी जी हमने। अच्छा। तब और सिक्योरिटी के हमने जो कर कही भी थी तो न बोले थारा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा। हमने यही जवाब मिला था भी कोई कुछ नहीं है, बोला कि नया काम थोड़ी करे यो देश कर करके जा रहा तो किसी का गल कुछ को नहीं आया तो थमने कौन के कहेगा। यह बात पुलिस प्रशासन ने कही है? हाँ जी, उड़ा सेफ हाउस में हुई हमारी साथ। अच्छा। हाँ तो फिर आप इस उसमें घर ले आए बच्चे ने? इस उसमें फिर हम घर न ले आए, बोला अपने घर ना ले जाओ कोई अटको न। हमने सिक्योरिटी हमको नहीं मांगी जी, भाई जुकमन रहे नहीं है, सही बात है भाई देश कर रहा है। मेरे ख्याल में तो आज का दिन तो 100 में 90% इलम मरीज हुए हैं। लेकिन कई यूँ कह रहे हैं कि माँ बाप की इज्जत भी बच्चा ना सोचनी चाहिए, भाई लव मैरिज करना तो चल ठीक है, माँ बाप की सहमति लेना तो सही बात है, जरूरी है, जरूरी है ये बात। तो यह बात तो मैं कहूँ ये तो सरकार ने देना था ना, ये बच्चा ने इतनी छूट मिल रही है तो आजकल के बच्चे कहाँ पूछते हैं माँ बाप ने। कहीं ना कहीं उस तो आप भी परेशानी में, परिवार तो परेशानी में है, परेशानी में मैं उस दिन भी थी जिस दिन मेरा बेटा 9 दिन में घर न बढ़िया था, परेशान तो मैं तब भी रही थी, आदमी नहीं मेरे सर पे, मैं अकेली माँ, एक लड़का मेरा बाहर पड़े था, हम दो माँ बेटा रहा करते, 9 दिन में घर न बढ़िया तो जब मेरे पके बीती मैं किसी की माँ को नहीं थी। ठीक बात है। और जब तब मैं भी यो काम इनकी लड़की के साथ करवाती तो ये क्या करते, तब इन ये लड़की वाली गलती नहीं दिखती, मेरी दिखती, इसने हमारी मरवा दी। तो यो काम तो हम भी करवा सका थे। बिल्कुल, पीछे एक मामला हो गया था भाई, एक लड़का मर गया था लव मैरिज में और फिर उस लड़की पर घर वाले पर जो है आरोप लगा था कि नहीं लगा था? आपने लगाया, अगर आप बेटी ने मार, इस लड़की ने मार देते तो इसका परिवार वाले आप हत्या करो? हाँ लगाते जी, लगाते नहीं उठवा देते मेरी शायद तो पक्का। अब ये लग गया है ना जो अपनी लड़की ने खुद मरवा सके है, जो हमारी तरफ से ये हो जाता तो हमारा ये क्या करते, ये आप सोचो है भाई। देख कोहंटी का यूँ कहना है कि फिलहाल गिरफ्तारी तीनों की हो चुकी है, 2 अभी बचे हुए हैं। आंटी आप तो कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि तीनों जी दो रह रहे हैं? अच्छा, खतरा है? खतरा नहीं बीबी है। अच्छा। जब गरीब बड़की काम कर सके ही तो हम रोज तक कर इसके बीच में रहा वहाँ, और तो कोई धमकी वगैरह नहीं आई होगी? और जब पाछा कुछ नहीं आया जी। पुलिस की कोई सिक्योरिटी मिली है? हाँ पुलिस की सिक्योरिटी मिल रही है जी। चलो हाँ ठीक है, ठीक भाई क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। बाकी पुलिस प्रशासन से हमारी भी ये रिक्वेस्ट है भाई, फैमिली की जो है सिक्योरिटी जो है जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब भी जो है कपल है जो डर के साए में है। और लड़की क्या अब भी गोली निकल गई आंटी रह रही है? नहीं जी, एक भीतरे बताऊं डॉक्टर, एक अंदर रह रही है, यानी कि अब भी हालत जो क्रिटिकल बनी हुई है लड़की। हाँ अभी भी क्रिटिकल है जी, और बस घनी तरह तरह कर रहा है, वह बेरा ने किसी रहेगी। अच्छा। हाँ मतलब उम्मीद नहीं है? उम्मीद शायद मुश्किल है। तो देख सको भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, मन ने दो इजाजत, जय हिंद जय हरियाणा।